मैं पवन चौधरी, पूर्व प्रदेश मंत्री युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी, JDTV इंडिया और अपने क्षेत्रवासियों को अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज मोदी जी की 50 दिन की डेडलाइन पूरी होने के बाद क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं अभी बची हुई हैं उसके बारे में जानते हैं पवन चौधरी, बीजेपी नेता से। मोदी जी ने जो नोटबंदी पर जो सराहना कदम उठाया है, देश की जनता के हित की, वो लड़ाई करते रहे हैं, करते रहेंगे और आगे भी करते रहेंगे। और जितने भी अपने एरिया में बैंक हैं, जितने भी अपने, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक हुआ, स्टेट बैंक हुआ, हमने जाके भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने जाके वहाँ पर जितने भी लोग लाइन में खड़े हुए थे सुबह से, उनके हमने चाय से, पानी से, नाश्ते से और उनकी सेवा, जैसे कि कोई लोग परेशान है, विकलांग है, उनकी सेवा, उनको मैनेजर से उनसे बात कराई, उनको अंदर तक बैंक में ले गए, उनके क्या कहते हैं जो परेशानी थी वो समस्याएँ देखी। तो काफ़ी जनता हमारे क्षेत्र की इस फैसले से काफ़ी खुश है और मैं चाहता हूँ इसी तरह से हमारी सरकार और मोदी जी काम करते रहे, बस यही हमारी मनोकामना है। आपने अपने क्षेत्र में विकास के क्या क्या कार्य किए हैं, जरा इसके बारे में विस्तार से बताएं। मैंने अपने गांव में बिजली का कैंप लगवाया गया, दूसरा अपने क्षेत्र में आधार कार्ड कैंप लगवाया गया, तीसरा मैंने स्वास्थ्य कैंप अपने गांव में लगवाया, चौथा गरीब बच्चों के लिए फ्री ट्यूशन का मैंने कैंप लगवाया गया, चौथा मैंने गैस कनेक्शन कैंप अपने क्षेत्र में लगवाया और पांचवा जनधन जो खाते अपने नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो गरीबों के लिए, वो मैंने जाके बैंक मैनेजर से जाके उन अकाउंटों को खुलवाने का काम किया। और इस सराहना कदम से यहाँ के क्षेत्र की जनता, गांव की जनता और गरीब से अमीर तक सब खुश है और आने वाले टाइम में मोदी जी के साथ में हमेशा खड़े दिखाई देंगे।